नमस्कार जी, अभी हम पेठे का रस बनाना सीखेंगे। कई लोगों ने हमें बोला है कि आप पेठे का रस जो है वो बनाना बताइए। तो ऐसे पेठा जो है ऐसे होता है, ये बड़ा था हमने पहले इसका बनाया हुआ है जूस, तो पेठे का रस। तो इसको ऐसे जो है यहाँ से काट लेना आपको, ठीक है। तो ये मैं इसको काट रहा हूँ, आपको शायद इसमें दिख जाए, कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ये देखिए, यहाँ से ऐसे काट लेना जितना आपको चाहिए, यहाँ से काट लीजिए। मान लीजिए 2 गिलास बनाना है तो उस हिसाब से काट लेना इसको, है ना। बड़े आराम से प्यार से काटता है, बाजार से मिल जाता है। और पहले पहले बचपन में हम इसकी मिठाई खाते होते थे, मैं सोचते थे किस चीज़ से बनता है, वो चीज़ देखनी है। तो देखो आज हम देख रहे हैं उसको ऐसे, बाकी बचा है रख दिए साइड में, फ्रिज में रख लेंगे, है ना। और ये जो है यहाँ से काटना भी आसान होता है, यहाँ से ऐसे डाला और ये धीरे धीरे ऐसे करके काट दीजिए, एक ही बार में सारा छिलका जो है उतर जाए। देख रहे हैं ना, जो जो रेसिपी सीखना चाहते हैं, रेसिपी है बड़ी आसान पे। जब मैंने पहली बार इसको ट्राई किया था तो बड़ा मुश्किल लगता था, एक तो पेठा वेस्ट चले जाता था सारा, है ना। दूसरा जो है ये काटने में बड़ा जोर लगता था, समझ नहीं थी कैसे काटना। अब देखो ऐसे कट गया ना, इसको बीच में से ऐसे काट लीजिए, काट लिए। इसमें देखो बीज है, सीड, ये जो सीड्स वाला हिस्सा है ना, ये आप ऐसे निकाल लीजिए यहाँ से सीड बाहर रह जाएंगे ऐसे। ये भी बीज वाला हिस्सा ऐसे निकाल लिया, फिर यहाँ से हम इसको बिना बीज के जो है काट देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे काटा। और जैसे वो श्रद्धा आती है, श्रद्धा बिल्कुल वैसे ही है, कटिंग में भी बड़ा सॉफ्ट है, ऐसे छोटा छोटा काट लेना है ऐसे। देखिए ऐसे काट लें। हम भगवान को कई बार बोलते थे कि हमें कोई सेवा जो है, कैसे लोगों की सेवा कर सकें। और ये फिर हमने पहले आज से 7-8 साल पहले जो सीखा था ये सारी चीज़ें, कैसे पेठे का रस बनाना है। तो पीते थे तो इससे ना बड़ा हल्का लाइन, ये बीज वाला हिस्सा काटने में थोड़ा सा जोर लगता है, है ना। कोई बनाने वाला हो अगर तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बीज काट दे ना, यही पेठा। हम बहुत लोगों को कौन सा पेठा, कौन सा पेठा, ये वाला पेठा ठीक है, ये सब्जी वाले के पास से मिल जाते हैं। तो और जहाँ पर पेठा बनता है, जिस जगह कई लोग पेठे की मिठाई बनाते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ऐसे बीच में से काट के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट दिए, ये देखिए। क्योंकि अभी मेरे पास वीडियो बनाने वाला कोई साथी है नहीं, तो स्टैंड पे लगाया हुआ है। अब इसके बाद में इसको ऐसे कोई जार है, मिक्सी है, उसमें डाल देना ऐसे। ये एक तरीका है, इसके तो और भी हैं, इसको ऐसे डाल देना सारे जितना आप कर सकते, ठीक। ऐसे इसके ऊपर हमने लगा दिया, ये फिट कर दिया इसका ढक्कन, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी अभी डालना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी डालना है, पानी दे लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने 2 गिलास अपन बनाना है, 1 गिलास इसमें से निकल ही जाएगा, पानी डाल देना। पानी डाल दिया, हम ढक्कन ऊपर दे देंगे, क्योंकि आप पते ढक्कन नहीं देंगे तो सारा बाहर आ जाएगा, और लाइट होनी जरूरी है। बस यहाँ से थोड़ा प्रेस करके तैयार हो गए। फिर इसको ऐसी बड़ी जाली में डाल के, इसके ऊपर हमें से बड़े बर्तन में रख के जाली में डाल देना जैसे, ठीक है। और ऊपर से ऐसे दबा देना, इसमें से रस निकलेगा, फटाफट जूस निकलना शुरू हो जाता है।
फिर जाली को ऐसे दबाते जाली में, इसको निकाल दिए थे बल्ब को, बाकी और जो बचा है उसको भी हम डाल लेते हैं। पानी इसलिए डालते हैं, एक तो घुल जाता है अच्छी तरह से, दूसरे डाइल्यूट होके इसका रस भी बढ़ता है और बॉडी में जब जाता है तो पानी जो है अच्छे से उसको साथ में रस को ले जाता है। तो पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई। ये अच्छा लगता है जब अपने लिए कुछ बनाना है, जब दूसरे के लिए कुछ बनाना है, दूसरे मैडम ही हमारे लिए सारा कुछ करते रहते हैं, तो जी अब कितना रस निकल रहा है देखते हैं। ठीक है, बाहर जाएंगे पता नहीं कैसे हाथ हैं बंदे के, जो जूस बनाने वाला है उसके कैसे हाथ हैं। ये गिलास है जी, देखो ये गिलास हमारा भर गया है जूस से, अभी देखता हूँ कितने और गिलास भर जाते हैं। तो दो गिलास तो बन ही जाएंगे मेरे हिसाब से पूरे, है ना, दो से भी ज़्यादा ही है। ये देखो दो, उसके बाद में कितना कर देखो लिया थोड़ा, ये देखो लगभग तीन गिलास के आसपास ये बन गया ऐसे, ये दो हो गए। आप तीसरा में हाथ में पक नहीं सकता, जब पूरा दो गिलास ऐसे, और इतना सा कई लोग कई दुकानें इतना सा 40 रुपये का देंगे, तो ये देखो ऐसे करके फिर पी लेना बड़े प्यार से परमात्मा को याद करके, परमात्मा जी रस मेरे अंदर जाए, मेरे शरीर की क्लिनजिंग करे, मेरी हीलिंग करे, मेरे गंदगी निकाले, ऐसे अच्छे अच्छे विचार अपने आप को देंगे। बहुत टेस्टी इसका पल्प इतना बढ़िया लगता है अंदर, टेस्टी का मतलब ऐसा टेस्ट है जो हम सब्जियों में और दाल सब्जियों में खाते हैं जी, अलग से टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, ये जूस रोज पीजिए, सुबह पी लिए एक बार, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी लीजिए, फिर इसके एक दो घंटे तक, एक घंटा मिनिमम, दो घंटा मैक्सिमम तक कुछ मत खाइए, इसको अपना काम करने दीजिए। एक गिलास पी लो, दो पी लो, तीन पी लो, जितना आप कर सकते हैं, जितनी भूख है पी लो, उसमें क्या है, कितना टाइम लगा देखो, 7 मिनट इसमें वीडियो बनाने में मेरा ध्यान रहा और 7 मिनट के अंदर सब बन गया। थैंक यू वेरी मच।